देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत नाले तो बने, लेकिन नालों में सफाई कितनी हो रही है ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र में, और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके का कूड़े का जो भड़ाव है यहाँ पर, तमाम तरीके की प्लास्टिक पन्नियाँ जो कि यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कूड़े का डलाव है पूरा यहाँ पर। और ये बरेली स्मार्ट सिटी में है, हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं ये जगतपुर का। जगतपुर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का, नाला तो खुदा हुआ है, ना ही तो कोई इसके ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है और ना ही कोई सफाई किसी तरीके की दिख रही है नाले में। और ये देख सकते हैं कि कितना सारा कचरा जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस तरीके से आप जो बड़ा सा नाला खुदा हुआ है ये कहीं ना कहीं जाम होता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, जगतपुर नालों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है पूरे नाले में और नाला पूरी तरीके से जाम पड़ा हुआ है। हालांकि ये नया नाला खुदा है अभी जल्दी में ही, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से कचरों से पटा हुआ है और ये खुला नाला। देखिए, जैसा कि आपने आपको बताया था कि बरेली स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बरेली के अंदर चल रहे हैं, वहीं हम बात करेंगे आज जगतपुर की। और जगतपुर का आप सड़क का हाल देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र में कि सड़क किस तरीके से खुदी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं इस नाले के कंडीशन। जो नाला आप देख सकते हैं हम आपको कैमरे की नज़र में दिखा रहे हैं, जो नाला जो है यहाँ का किस तरीके से चोक हुआ पड़ा है, और यहीं पे हमें कुछ जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं वो हमें जैसे ही हमने देखा कि आए हुए हैं हम, तो वहीं पे ये रुक गए। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर ये नाले कब से चोक पड़े हैं और सड़कें जो हैं इस तरीके की ख़राब कब से। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनीश है नाम मेरा। अनीश जी, ये बताइए, जो सड़क जो ये खुदी हुई है यहाँ से लेकर बहुत करीबन एक किलोमीटर तक का है, तीन साल हो गया इसको, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप लोगों ने कहीं पर शिकायत करी? बहुत शिकायतें कर चुके हैं, बीसियों बार कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, जैसा कि अनीश भाई ने कहा कि बीसियों बार शिकायतें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी कड़ी में और भी लोग हैं हमारे साथ, जैसे कि ये इनकी दुकान है सामने। क्या नाम है भैया आपका? आसिफ भाई, ये बताइए सड़क कब से ऐसे ही है? जी, दो ढाई साल से ऐसी है, कभी कोई नहीं आता सही करने के लिए। हम लोग अपने हाथों से भरते हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, कई लोग पलट जाते हैं बैठी यहाँ पर उठाना पड़ता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि रोड इस तरीके का बना हुआ है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और कई बार गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं। पलट गई हैं यहाँ पर, पलट भी गई हैं बताते हैं। इसी कड़ी में हम और भी आगे हम आपको दिखाएंगे कि ठीक 10 कदम आगे चौकी है एक यहाँ पे, जो जगतपुर चौकी कहते हैं। और देखिए, हमारे साथ में एक और आदमी जुड़ गए हैं, अजय कुमार गुप्ता जी। अजय कुमार जी, तो बताओ, ये नाला ढाई साल से साहब ये, और सड़क बिल्कुल कड़ने पड़ी हुई है, आए दिन आदमी नाले में घुस जाता है। हमारे पास वीडियो भी रखी हुई है इसकी, दो आदमी मोटरसाइकिल सहित घुस गए थे, रस्सियों से बांध बांध के निकाले। रस्सियों से बांध बांध के निकाले। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं किया? शिकायत क्या, आए दिन मतलब आप लोग जैसे कई जगह आए, कई दफे ले गए, लेकिन आज तक ये बना नहीं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ना, कोई कार्रवाई। देखिए, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जैसा कि इनका कहना है। अच्छा, मेयर साहब आते हैं कभी इस रोड पे? हाँ, मेयर साहब एक दफे आए थे और उनने मतलब इसका जायजा लिया था, नाप भी लिया था इसका, मतलब ऐसा समझ कि दो चार दिन में पड़ जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं पड़ा नाले को। मेयर साहब भी लिख के ले गए, नपाई भी करवा के ले गए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो गया। इस बात को कम से कम हो गया दो साल। देखिए, मेयर साहब भी आए थे 2 साल पहले, जैसा कि इनका कहना है कि 2 साल पहले मेयर साहब भी आए थे और देख के नपाई भी करा के गए, लेकिन अभी तक कोई मामला हल नहीं हुआ है। बने रहिए हमारे साथ और दिखाएंगे आपको जगतपुर रोड का हाल। देखिए, बरेली स्मार्ट सिटी जगतपुर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो बरेली स्मार्ट सिटी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्मार्ट सिटी है ये बरेली और किस तरीके के गड्ढे स्मार्ट सिटी में आपको दिख रहे होंगे। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि जिस दिन योगी जी आए थे उसी दिन साफ तौर शब्दों पर कहा गया था कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी और गड्ढा मुक्त पूरा शहर होगा। जबकि आप देख सकते हैं कि ये बरेली का क्षेत्र है, जगतपुर का क्षेत्र है, और यहाँ पर किस तरीके के गड्ढे हैं, ठीक चौकी के सामने का नज़ारा है ये, हम आपको दिखा रहे हैं बरेली के जगतपुर का एरिया। देखिए, इसी की कड़ी में हम आए हैं जगतपुर के ठीक चौकी के सामने। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चौकी है और उसके ठीक सामने का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गड्ढों का अंबार लगा हुआ है, और गड्ढे यही नहीं, और जबकि यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, और इस तरीके से सड़क के दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे जो है यहाँ पर भरे हुए हैं। आप हमारे कैमरे की नज़र से देखते रहिए कि गड्ढा जो है किस तरीके से है, और लगभग 2.5 से 3 साल हो गया इन गड्ढों को ऐसे इसी तरीके से इसी नज़ारे में है। हम आपको इस क्षेत्र के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये गड्ढे कब से हैं, कब तक यहाँ से कभी कुछ हुआ या नहीं हुआ।
क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र कश्यप है और मैं यहाँ दुकान है। मैं तो यहाँ 2.5-3 साल से ऐसे ही पाया है। काफी लोगों को बहुत चोट लगती है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी कोई शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? अरे कई बार नदी है, रोड बड़ी मिल रही है, बहुत परेशानी है। दुकानदार भी बहुत परेशान है, दुकानदार सब लोग कारोबार टफ है। झोपड़ी वाली साइड से आते हैं और रात बिरात बहुत चोट लगती है, कई लोगों को डाल डाल के भर्ती कराना पड़ता है। देखिए जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुका है और भर्ती कराने के लिए क्षेत्रवासी यहाँ से जाते हैं। हम बात करेंगे कुछ जो यहाँ पर थाना चौकी है, इसमें भी हालांकि ये पुलिस वाले यहाँ पर रहते हैं और इनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। पार्षद मेराज अंसारी, ये बताइए जैसा कि आपके क्षेत्र में हम बहुत दूर से होते हुए चले आ रहे हैं और गड्ढे तमाम तरीके के सड़क पे, क्या है, क्यों नहीं सड़क क्यों नहीं सही हो पा रही है, क्या कारण है? ऐसा था पहले बीच सड़क पे इसके नाला था। हाँ हाँ, नाले को कई बार रिपेयर करवाया लेकिन वो जो है वो कामयाब ना। उसके अलावा इस साइड से नाला भी देख रहे होंगे आप, इस साइड से नाला जो है हमने बनवाया यहाँ से, उसी समय से ये रोड खराब। ये आपसे लगभग 3 से भी ज़्यादा बल्कि 4 साल लगभग समथिंग आए थे और उसके साथ ही हमने नगराज जो तत्कालीन नगराज जी थे उनको अपना जो था हमने अपने इसकी अगवत भी करा दिया था, उनको दिखवाया भी था और प्रस्ताव भी दे दिया था इसका। लगातार कई बार और भी हम मिलते मिलाते रहे लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ, लेकिन अब फाइल बन हुई है, इसकी स्वीकृति में भी है। स्वीकृति मिलने के बाद में तब इस पर काम चालू हुआ। हमारा काम अगवत कराना था, जितनी कोशिश अब पहले तो मैं अकेला पार्षद था इस क्षेत्र का, जब से बाद में इसके 3 बाट हो गए बल्कि मेरे में 2 और 1 इधर वाले साथी पार्षद यामीन भाई, मुसरफ अंसारी साहब और मैं मिराजन, तो अब तीनों लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथी पार्षद भी वो भी सब प्रयास कर रहे हैं। कब तक माना जाए कि ये कार्य पूरा हो जाएगा? क्षेत्रवासी जिस तरीके से हमारी बात हुई है पार्षद जी, आपको बता दूं, उस तरीके से बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, आए दिन यहाँ पे लोग गिर जाते हैं। ये सब हम लिख के अपने प्रस्ताव में दे चुके हैं, जिसकी फोटोकॉपी लिखित हमारे पास में है और जो समय भी जितना हुआ है वो भी सब में समय डेट के साथ हमने जो था अवगत कराया था वो भी सब मेरे पास में है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बरेली स्मार्ट सिटी में आ गया है और स्मार्ट सिटी की हालत हम आपको दिखा रहे हैं जगतपुर की।